गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 12 बायोलॉजी के फिफ्थ चैप्टर को ही फिर से कंटिन्यू करूंगा। बट हमारा जो टॉपिक है वो है आज सेक्स डिटरमिनेशन। टॉपिक क्या है? सेक्स डिटरमिनेशन। ओके, तो हमारा टॉपिक है सेक्स डिटरमिनेशन। और ये जो सेक्स डिटरमिनेशन टॉपिक है, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये जो सेक्स डिटरमिनेशन है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। सेक्स डिटरमिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम आर दोज क्रोमोसोम विच डिटरमाइन द sex of an organism, या individual भी बोल सकते हैं, of an organism either singly यानी अकेले or in pair या जोड़े में, in a डायोसियस और यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो सेक्स क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है सेक्स डिटरमिनेशन के लिए। क्या है सेक्स क्रोमोसोम? ये वह क्रोमोसोम है विच डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म either singly or in pair, किसमें? In a dioecious or unisexual organism। ये हो गया sex chromosome का definition। Next, ये जो sex chromosome है, these are also known as, ये साथ ही साथ किस नाम से जाना जाता है? Also known as एलोजोम और आइडियो क्रोमोसोम। ये किसके रूप में जाना जाता है? ये जो सेक्स क्रोमोसोम है, ये एलोजोम और आइडियो क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया सेक्स क्रोमोसोम। जो डिटरमाइन करता है मेलनेस या मेल कैरेक्टर को, उसको एंड्रोजोम बोलते हैं। द सेक्स क्रोमोसोम विच डिटरमाइन मेल सेक्स इज कॉल्ड एंड्रोसोम, इज कॉल्ड एंड्रोसोम, है ना। तो जो सेक्स क्रोमोसोम मेल सेक्स को डिटरमाइन करता है, उसको बोलते हैं हम एंड्रोसोम। एग्जाम्पल बहुत कॉमन है, हम लोग पहले भी पढ़े हैं, वाई क्रोमोसोम इन ह्यूमन ड्रोसोफिला, है ना, ह्यूमन ड्रोसोफिला। और ये जो वाई क्रोमोसोम है, इसको एंड्रोसोम बोलते हैं। क्यों एंड्रोसोम बोलते हैं? क्योंकि ये डिटरमाइन करता है
मेल सेक्स को, दैट इज कॉल्ड एंड्रोजोम। नेक्स्ट है कि वैसा क्रोमोजोम, द नॉर्मल क्रोमोजोम अदर देन सेक्स क्रोमोजोम, जो हमारे बॉडी कलर, आई कलर, हेयर कलर, बॉडी शेप, ये सब को कंट्रोल करता है, दे आर कॉल्ड ऑटोसोम। ठीक है, द क्रोमोजोम विच डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अदर देन सेक्स इज कॉल्ड ऑटोसोम। क्या कहा जाता है इसको? ऑटोसोम। तो हो गया वैसा क्रोमोसोम जो डिटरमाइन करता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अदर देन सेक्स इज कॉल्ड ऑटोसोम। ठीक है, यहां तक समझ आया? अब हमारा नेक्स्ट होगा जब सेक्स क्रोमोसोम मे बी सिमिलर इन वन ऑर्गेनिज्म, सेक्स क्रोमोसोम मे बी सिमिलर इन वन ऑर्गेनिज्म, इसको क्या कहा जाता है? कॉल्ड होमोमॉर्फिक क्रोमोसोम। इसको क्या कहा जाता है? होमोमॉर्फिक क्रोमोसोम। ठीक है, और जैसे कि एग्जांपल है ह्यूमन फीमेल में एक्स सेक्स, तो ये क्या हो गया? होमोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम है। वाइल If it मतलब sex chromosome is dissimilar in a particular organism, अगर सेक्स क्रोमोसोम डिससिमिलर है पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में, दीज आर कॉल्ड हेट्रोमॉर्फिक। इसको क्या कहते हैं? हेट्रोमॉर्फिक। एग्जांपल क्या होगा? एक्स वाई। ठीक है, ये कहां पर आ जाएगा? ह्यूमन मेल। ठीक है, तो ये हो गया सेक्स क्रोमोसोम दो तरह का होता है, होमोमॉर्फिक और हेट्रोमॉर्फिक। होमोमॉर्फिक में दोनों सेक्स क्रोमोसोम सिमिलर होगा और हेट्रोमॉर्फिक में दोनों सेक्स क्रोमोसोम डिससिमिलर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इंडिविजुअल हैविंग होमोमॉर्फिक होमोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम प्रोड्यूसिंग सेम टाइप ऑफ गैमेट्स, प्रोड्यूसिंग सेम टाइप ऑफ गैमेट्स। जिस इंडिविजुअल में सेक्स क्रोमोसोम सेम है यानी होमोमॉर्फिक है, वो एक ही तरह का गैमेट प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं होमोगैमेटिक। होमोगैमेटिक, जैसे कि एग्जांपल ह्यूमन फीमेल
ह्यूमन फीमेल, ड्रोसोफिला क्या फीमेल में भी सेम हो, जबकि इंडिविजुअल हैविंग हेट्रोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम प्रोड्यूसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर कॉल्ड हेट्रोगैमेटिक। और इस हेट्रोगैमेटिक को इसका एग्जांपल क्या होगा, ह्यूमन मेल, इसमें यहां एग्जांपल दिए थे एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, इसका अंदर में नेक्स्ट जो सब टॉपिक होगा बोल सकते हैं, दैट इज बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन टॉपिक का नाम है, सब टॉपिक का बेसिस ऑफ सेक्स तो बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, इस्टैब्लिशमेंट ऑफ मेल और फीमेल इंडिविजुअल और मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन इन एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन या इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इस्टैब्लिशमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल और मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, और ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, समझ आया, जब एस्टैब्लिशमेंट होता है मेल और फीमेल का या मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन का किसी भी ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल में, दैट इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। इट इज ऑफ थ्री टाइप्स, ये तीन प्रकार का है। पहला है इन्वायरमेंटल और नॉन जेनेटिक डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। पहला, मैरीन मोलस्का, क्या नाम है, क्रिपीड्यूला, मैरीन मोलस्का, जो मैरीन मोलस्का है क्रिपीड्यूला,
प्रोड्यूसेस मेल व्हेन रेयर्ड अलोन बट प्रोड्यूसेस फीमेल व्हेन रेयर्ड अलोंग विथ फीमेल। समझ आया? ये जो मैरीन मोलस्का है क्रिपिड्यूला, ये प्रोड्यूस करता है मेल जब अकेले रेयर्ड होता है, अकेले इसको रखा जाता है, लेकिन ये प्रोड्यूस करता है फीमेल जब ये फीमेल के साथ रेयरिंग किया जाता है। दूसरा, क्रोकोडाइल एंड लिजार्ड प्रोड्यूसेस मेल इन हाई टेम्परेचर एंड फीमेल इन लो टेम्परेचर। ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा कि टर्टल प्रोड्यूस करता है मेल एट टेम्परेचर बिलो 28 डिग्री सेल्सियस, प्रोड्यूस करता है फीमेल एट टेम्परेचर अबव 33 डिग्री सेल्सियस और प्रोड्यूस करता है बोथ मेल एंड फीमेल एट टेम्परेचर बिटवीन 28 डिग्री टू 33 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हो गया टर्टल। तो ये तीन है, पहला है मैरीन मोलस्का क्रिपिड्यूला, अकेले रेयरिंग होता है तो वो प्रोड्यूस करता है मेल, और फीमेल के साथ रहता है तो वो प्रोड्यूस करता है फीमेल। ठीक है, अब क्रोकोडाइल अलग होगा। क्रोकोडाइल और लिजर्ड, ये प्रोड्यूस करता है मेल इन हाई टेम्परेचर एंड फीमेल इन लो टेम्परेचर। और लास्ट है टर्टल, मेल प्रोड्यूस करता है टेम्परेचर बिलो 28 डिग्री सेल्सियस, फीमेल प्रोड्यूस करता है टेम्परेचर अबव 33 डिग्री सेल्सियस, और दोनों मेल और फीमेल प्रोड्यूस करता है एट अ टेम्परेचर बिटवीन 28 to 33 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया इन्वायरमेंटल और नॉन जेनेटिक डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स। ठीक है, ठीक है, दूसरा होगा नॉन एलिलिक जेनेटिक डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स, नॉन एलोजोमी। सेकेंड, नॉन एलोजोमिक जेनेटिक डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स, नॉन एलोजोमिक जेनेटिक डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स, ये सेकेंड है। इसमें सबसे पहले हम लेंगे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के सेक्स को डिटरमाइन करता है एफ प्लाज्मिड, जिसको हम फर्टिलिटी फैक्टर भी बोलते हैं। अगर एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा तो बैक्टीरिया होगा मेल, अगर एफ प्लाज्मिड एब्सेंट होगा तो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेगा, बैक्टीरियम होगा फीमेल। पहला। दूसरा, क्लेमाइडोमोनस जो कि एक एल्गी है, ठीक है, डिटरमाइन सेक्स बाय जीन, यानी यहां भी जेनेटिक डिटरमिनेशन है। थर्ड है मेस। मेस में दो चीज होता है, एक होता है टेसल
और दूसरा होता है कॉब, ठीक है। ये जो टैसल है ये है मेल पार्ट और ये जो कॉब है ये है फीमेल पार्ट, और ये दोनों ही डिटरमाइन होता है, इट इज बोथ ऑफ देम आर डिटरमाइंड बाय, बोथ ऑफ देम आर डिटरमाइंड बाय डिफरेंट जीन, दोनों डिफरेंट जीन से डिटरमाइंड है, ठीक है। ये हो गया नॉन एलोजोमिक डिटरमिनेशन ऑफ या जेनेटिक डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स। थर्ड होगा क्रोमोसोमल डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स। थर्ड है क्रोमोसोमल डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स, ठीक है। इसमें सबसे पहले होगा एक्स क्रोमोसोम, या शुरू में बोला गया था एक्स बॉडी। एक्स बॉडी जो है, एक्स बॉडी वॉज डिस्कवर्ड बाय हेनकिंग। एक्स बॉडी को डिस्कवर किया था हेनकिंग इन रिप्रोडक्टिव सेल ऑफ फायरफ्लाई, जुगनू जैसा है, ठीक है। जबकि जो वाई बॉडी है वॉज डिस्कवर्ड बाय स्टीवेंस 1902। अब विल्सन और स्टीवेंस ने दिया क्रोमोसोमल डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स, ठीक है, या क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स। इसमें इन्होंने कहा कि जो एक्स बॉडी और वाई बॉडी हम बोल रहे हैं ये एक्चुअली एक्स एंड वाई क्रोमोसोम है जो कि सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। कौन, किसने कहा? विल्सन और स्टीवेंस ने। दूसरा उन्होंने कहा कि क्रोमोसोमल डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स जो है, क्रोमोसोमल डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स जो है इज बेस्ड ऑन, क्रोमोसोमल डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स इज बेस्ड ऑन हेट्रोगैमिटी। हेट्रोगैमिटी का मतलब होता है दैट इज प्रोड्यूसिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स, और ये जो हेट्रोगैमेटी है इट इज ऑफ टू टाइप, ये दो तरह का होता है। पहला मेल हेट्रोगैमेटी, इसका दो केस है, एक्स 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 वाई टाइप, और दूसरा है एक्स 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 जीरो टाइप। मेल हेट्रोगैमेटी का मतलब इस केस में जो मेल होता है वो दो डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट को प्रोड्यूस करेगा, और दूसरा है
फीमेल हेट्रोगेमेटी, फीमेल हेट्रोगेमेटी में क्या होगा, यहां पे फीमेल डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट प्रोड्यूस करेगा, इसमें भी दो केस है, जेड जेड, जेड डब्ल्यू टाइप और जेड 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 जीरो टाइप या ओ टाइप। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे ये दोनों को, मेल और फीमेल हेट्रोगेमेटी। देखो सबसे पहला केस है मेल हेट्रोगैमेटी, मेल हेट्रोगैमेटी। मेल हेट्रोगैमेटी में हम लोगों को पढ़ना है पहला एक्स 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 वाई टाइप, और ये जो एक्स 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 वाई टाइप है इसमें सबसे एग्जांपल जो होगा वो दो है कॉमन, एक है ह्यूमन और दूसरा है ड्रोसोफिला। ठीक है, यहां पे क्या होता है ह्यूमन में और ड्रोसोफिला में, जो मेल है, मेल कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, दैट इज एक्स एंड वाई, वेर एज फीमेल कंसिस्ट ऑफ टू सेम टाइप ऑफ या सिमिलर टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, दैट इज एक्स एक्स। ठीक है, अब देखो मेल में जो एक्स और वाई क्रोमोसोम है, ठीक है, ये दोनों में दो पार्ट होता है, एक होमोलोगस पार्ट और एक डिफरेंशियल पार्ट। ये जो होमोलोगस पार्ट है इसके मदद से एक्स वाई क्रोमोसोम पेयरिंग अप करता है, और इस पेयरिंग अप को कहा जाता है साइनेप्सिस, दैट इज पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। और ये साइनेप्सिस कब होता है, ये साइनेप्सिस बेसिकली जायगोटिन स्टेज में होता है ऑफ प्रोफेज वन। ठीक है, और इसको एक्स वाई लिंक क्रोमोसोम कहा जाता है। जो वाई क्रोमोसोम है इसमें वाई लिंक्ड जीन पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है, वाई लिंक्ड जीन पाया जाता है, और इसमें सबसे कम जीन पाया जाता है, क्योंकि ये 146 बेस पेयर का होता है, और ये बेसिकली वाई लिंक्ड कैरेक्टर को ही डिटरमाइन करता है, जैसे टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, इसको बोलते हैं TDF। और ये जो वाई लिंक जीन है वाई क्रोमोसोम में, ये हमेशा फादर टू सन डायरेक्टली ट्रांसफर होता है, और इस तरह क्रोमोसोम को कहा जाता है एंड्रोसोम। क्या कहा जाता है, एंड्रोसोम। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट, पेपर पे
ठीक है। अब देखो तो हम क्रोमोसोम के टाइप को पढ़ेंगे। ह्यूमन में जो मेल है उसका ये स्विम बॉल हो गया, और जो फीमेल है उसका ये बायोलॉजिकल स्विम बॉल हो गया। मेल का सेक्स क्रोमोसोम और टोटल क्रोमोसोम क्या है, 44 प्लस एक्स वाई, फीमेल का 44 प्लस एक्स एक्स। इसमें जब गैमेट बनेगा तो 22 प्लस एक्स होगा और दूसरा 22 प्लस वाई, इसमें होगा 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स। अब देखो मेल में जो दोनों स्पर्म गैमेट बन रहा है, जो कि मेल सेक्स गैमेट है, दोनों गैमेट में अलग अलग सेक्स क्रोमोसोम है, इसलिए इसको कहा गया हेट्रोगैमेटिक। क्या कहा गया, हेट्रोगैमेटिक। और इसमें दोनों सेक्स क्रोमोसोम सेम है तो इसको कहा गया होमो गैमेटिक। अब इसके साथ अगर इसका फ्यूजन होगा तो क्या होगा, 44 प्लस XX, और इसके साथ अगर इसका भी फ्यूजन होगा तो होगा 44 प्लस XX, ठीक है। अब इसके साथ अगर इसका फ्यूजन होगा तो ये होगा 44 प्लस XY, और इसके साथ अगर इसका फ्यूजन होगा तो ये होगा 44 प्लस एक्स वाई। अब जहां पे दोनों सेक्स क्रोमोसोम सेम है, ये हो गया फीमेल, ये भी हो गया फीमेल, और जहां पे दोनों सेक्स क्रोमोसोम डिफरेंट है, ये भी हो गया मेल और ये भी हो गया मेल, ठीक है। तो ये हो गया पहला एक्स 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 वाई टाइप। अब दूसरा देखो, नेक्स्ट है एक्स 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 जीरो टाइप, एक्स 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 जीरो टाइप। एक्स 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 जीरो टाइप जो है इसमें क्या होगा, इसमें तुम्हारा बेसिकली राउंड फॉर्म एंड इंसेक्ट्स आएगा, जो कि आर्थ्रोपोडा में आता है। इंसेक्ट्स में आएगा ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर के बाद कॉकरोच, ये सब आएगा। इसमें क्या होता है कि जो मेल हो, सपोज कर लो हमको इसका पूरा सेक्स पूरा टोटल क्रोमोसोम नहीं पता, ऑटोसोम एलोसोम नहीं पता, तो हम सिंपली क्या करेंगे, मेल को रिप्रेजेंट करेंगे ऑटोसोम में डबल ए प्लस एक्स जीरो, यानी ऑटोसोम में मेल हेट्रोगैमेटिक होगा एंड मेल इज रिप्रेजेंटेड बाय, मेल इज रिप्रेजेंटेड बाय एब्सेंस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम, और जो फीमेल होगा, फीमेल होगा इसका सिंबल है ये, और ये हो जाएगा डबल ए प्लस एक्स एक्स। अब जब ये गैमेट बनेगा तो क्या होगा, ए प्लस एक्स, ए प्लस एक्स, ठीक है। दोनों को फ्यूज करो पहले, ए ए प्लस एक्स एक्स, फिर इसके साथ फ्यूज करो ए ए प्लस एक्स एक्स। अब ए प्लस जीरो से करो, ए ए प्लस एक्स जीरो, इसके साथ करो ए ए प्लस एक्स जीरो। तो देखो जहां पे दोनों सेक्स क्रोमोसोम सिमिलर है और प्रेजेंट है, वो हो गया फीमेल, एक ये हो गया फीमेल, एक ये हो गया फीमेल, और जहां पे दोनों सेक्स क्रोमोसोम में से एक एब्सेंट है, यानी वो हेट्रोगैमेटिक है और वो हो गया मेल, तो ये भी मेल और ये भी मेल। तो ये दूसरा टाइप हो गया डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स ऑन द बेसिस ऑफ मेल हेट्रोगैमेटिक। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फीमेल हेट्रोगैमेटिक।
तो हमारा नेक्स्ट बेसिस है सेक्स डिटरमिनेशन का फीमेल हेटरोगेमी, फीमेल हेटरोगेमेटी। जो फीमेल हेटरोगेमेटी है इसमें पहला टाइप क्या था, पहला टाइप था ए ए प्लस जेड डब्ल्यू। ए ए जेड डब्ल्यू क्या है, इसका एग्जांपल होगा बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे कि इसमें हेटरोगैमेटिक फीमेल होगा जबकि ह्यूमन में क्या था मेल, केस एकदम उल्टा रिवर्स हो गया। तो सबसे पहले हम यहां पे फीमेल लिखेंगे और यहां पे मेल, ठीक है, क्योंकि हेटरोगैमेटिक हम पहले रखते हैं। तो हेटरोगैमेटी हो गया ये फीमेल और ये हो गया मेल का सिंबल। यहां हो जाएगा ए ए प्लस जेड डब्ल्यू, हेटरोगैमेटिक हो गया, और यहां पे हो जाएगा ए ए प्लस जेड जेड, यानी यहां पे जेड डब्ल्यू जो है वो सेक्स क्रोमोसोम है। अब ये तुम्हारा गैमेट बनेगा ए प्लस जेड ए प्लस डब्ल्यू, और यहां बनेगा ए प्लस जेड और ए प्लस जेड। अब देखो ए प्लस जेड यहां पे दोनों जगह हुआ, जेड और डब्ल्यू, तो ये तो दोनों सेक्स क्रोमोसोम अलग हो गया, तो यहां पे फीमेल हो गया हेटरोगैमी। और यहां पे देखो दोनों मेल में जेड जेड है, यानी यहां पे मेल हो गया होमो गैमेटिक। तो पहले गैमेट के साथ इसका क्रॉस करवाओ फीमेल का, फिर पहले गैमेट के साथ दूसरे होमो का क्रॉस करवाओ, तो क्या होगा ए ए प्लस जेड जेड, इसका भी होगा ए ए प्लस जेड जेड। अब दूसरा गैमेट, इस स्पर्म से पहले वाले होमो को करो, फिर इस स्पर्म से दूसरे वाले होमो को फ्यूजन करो, यहां हो जाएगा ए ए प्लस जेड डब्ल्यू, फिर हो जाएगा ए ए प्लस जेड डब्ल्यू। तो जहां पे दोनों सेक्स गैमेट सेम है, सेक्स क्रोमोसोम, ये हो गया मेल, और जहां पे दोनों सेक्स क्रोमोसोम डिफरेंट है ये हो गया फीमेल, ठीक है। ये पहला केस हो गया फीमेल का। दूसरा, दूसरा हो जाएगा ए ए जेड जीरो, जैसे हम फीमेल पढ़ाए थे मेल में, उसमें भी ए ए एक्स 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 जीरो टाइप था, यहां पे वहां पे ए ए जेड जीरो टाइप था। तो यहां पे होगा फीमेल, सॉरी पहले इसका एग्जांपल जान लो, एग्जांपल होगा बटरफ्लाई और मॉथ, ये दो बेस्ट एग्जांपल है इसका। अब इसका मेल और ये हो गया फीमेल, मेल हो गया ये सिंबल, फीमेल हो गया ये, ठीक है। हम पहले जैसे लेते हैं वैसे मानते हैं, फिर हेटरोगैमेटिक है फीमेल, तो पहले फीमेल को चलो लेते हैं, ये हो गया फीमेल और ये हो गया मेल। फीमेल का क्या होगा ए ए प्लस जेड जीरो, और मेल का हो जाएगा ए ए प्लस जेड जेड। अब इसका गैमेट बनेगा ए प्लस जेड ए प्लस ओ, ए प्लस जेड ए प्लस जेड। तो यहां पे देखो दोनों सेक्स गैमेट डिफरेंट है, एक में एब्सेंट है और एक में है, यानी यहां फीमेल हेटरोगैमेटी इज डिटरमाइंड बाय एब्सेंस ऑफ वन सेक्स क्रोमोसोम। ये हो गया हेटरोगैमेटी, और यहां पे देखो दोनों सेम है, दैट इज होमोगैमेटी, इसके साथ इसका फ्यूजन होगा, तो क्या होगा ए ए प्लस जेड जेड, फिर इसके साथ सेकेंड ओवम का फ्यूजन होगा, तो क्या होगा ए ए प्लस जेड जेड। अब हम दूसरे स्पर्म का दोनों ओवम से फ्यूज करवाएंगे, ए सेकेंड फ्यूजन इज दिस, तो क्या होगा ए ए प्लस जेड जीरो ए ए प्लस जेड जीरो। तो देखो जहां पे बोथ सेक्स क्रोमोसोम आर सिमिलर एंड प्रेजेंट, ये हो गया मेल ये हो गया मेल, एंड जहां पे बोथ सेक्स क्रोमोसोम आर प्रेजेंट दैट इज नॉट द केस, एक सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है और एक एब्सेंट है दैट इज फीमेल, क्योंकि यहां पे फीमेल
हेट्रोगैमेटी में, ये हो गया फीमेल हेट्रोगैमेटी का केस। नेक्स्ट केस है हैप्लोडाइप्लॉइडी, ठीक है, क्या है हैप्लोडाइप्लॉइडी, तो क्या होगा इसमें, हैप्लो डाइप्लॉइडी, हैप्लोडाइप्लॉइडी में क्या होगा, सबसे पहले जान लो कि ये बेसिकली पाया जाएगा हनी बी एंड वैस्प में। हम हनी बी का यहां पे एग्जांपल लेते हैं, यहां पे जो मेल है वो हैप्लॉइड होता है और जो फीमेल है वो डाइप्लॉइड होता है। मेल हैप्लॉइड इसलिए होता है कि इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू पार्थेनोजेनेसिस, और डाइप्लॉइड इसलिए है क्योंकि इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और ये दोनों हम किस कॉन्टेक्स्ट में यहां बता रहे हैं, हनी। अब देखो हनी बी में मेल हैप्लॉइड होता है और फीमेल डाइप्लॉइड होता है। अब एक और चीज, मेल को क्या कहा जाता है, फीमेल को क्या कहा जाता है, हनी बी का जो मेल है उसको ड्रोन कहा जाता है और हनी बी का जो फीमेल मेंबर है उसको क्वीन और वर्कर कहा जाता है। अब ये प्रोसेस होता कैसे है, ठीक है, ये प्रोसेस होने का तरीका है, क्वीन बी, क्वीन बी पिक्स अप ऑल द स्पर्म फ्रॉम मेल ड्यूरिंग न्यूपिटल फ्लाइट, है ना, एंड स्टोर द सेम इन सेमिनल वेसिकल। स्टोर बाद में ये और स्टोर कर कहां रखता है, सेमिनल वेसिकल में, ठीक है। उसके बाद इट डज नॉट फर्टिलाइज द एग विच इज टू बी डेवलप्ड एज मेल, ड्रोन या मेल के रूप में जो डेवलप करना है उसको, वो एग को वहां पर फर्टिलाइज नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि ये पार्थेनोजेनेसिस से प्रोड्यूस होगा। बट टू प्रोड्यूस फीमेल इट अंडरगो फर्टिलाइजेशन, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये जो तुम्हारा फीमेल है ये क्वीन होगा कि वर्कर होगा, ये डिपेंड करता है कि ये फीमेल को कैसा नरिशमेंट मिलता है। अगर क्वीन को रॉयल जेली मिल रहा है, रॉयल जेली एज अ फूड, ये क्वीन, ये फीमेल क्वीन में डेवलप करेगा। और अगर फीमेल को बी ब्रेड मिल रहा है
एज अ नरिशमेंट, तो ये फीमेल के रूप वर्कर के रूप में डेवलप करेगा। ठीक है, तो ये हो गया पूरा सेक्स डिटरमिनेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।